साल बिग बॉस फिर से आ गया है हमारी आंखों में जहर घोलने के लिए। बिग बॉस के अंदर पहले एक बात बहुत अच्छी हुआ करती थी कि वो साल में एक बार आता था, लेकिन अभी आंखों में हमारी जहर घोलने के लिए साल में दो दो बार आता है। इस शो का नाम बिग बॉस नहीं इमेज क्लीनिंग शो होना चाहिए था। क्यों, तुम्हें क्या लगा लफड़ा सेंट्रली सिर्फ इमेज क्लीन करने का काम करता है? नहीं, बिग बॉस भी करता है। दो दिन जिम में क्या चले गए, चिकन खा लिया, प्रोटीन खा लिया, स्टेरॉइड ठोक लिया। इमेज क्लीनिंग करने के अलावा ये एक और काम करता है, अगर तुम्हारा करियर डेड हो चुका है तो ये उसको वापस से रिवाइव करता है। मतलब भाई सीधी सादी बात है, अगर तुम सेलिब्रिटी हो और तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो, तुम्हें काम मिलना बंद हो चुका है, तो तुम बिग बॉस चले जाओ। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। सलमान खान फैंस को ये वाली न्यूज बहुत ज्यादा दुखी करने वाली है, क्योंकि इस बार सलमान खान बिग बॉस को होस्ट नहीं करने वाले हैं, इस बार अनिल कपूर करेंगे इसको होस्ट। आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। सलमान भाई अपनी बातों से बिग बॉस के कंटेस्टेंट को डराते थे और अनिल कपूर सर अपने बालों से डराने वाले हैं। वैसे मैं सच में देखना चाहता हूँ कि जब अनिल सर किसी पे भड़केंगे तो वो कैसा लगेगा। अब बात कर लेते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट के बारे में, चंद्रिका दीक्षित यानी कि वड़ा पाव गर्ल। भाई इन्होंने बाहर के लोगों को तो बड़ा पाव बहुत खिला लिया, अब ये सोच रहे हैं बिग बॉस के अंदर जाकर के मैं बड़ा पाव खिलाऊंगी। बड़ा पाव गर्ल लगेज के नाम पर बिग बॉस के अंदर कुछ लेकर गई हो या ना लेके गई हो, लेकिन वो एक कार्ड जरूर लेकर जाएंगी और उस कार्ड का नाम है विक्टिम कार्ड। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं। भाई विक्टिम कार्ड और वुमेन कार्ड इन्होंने बाहर तो बहुत खेल लिया, लेकिन अब ये घर के अंदर बदमाशी दिखाएंगी। बड़ा पाव गर्ल अपने पति को बिग बॉस में साथ नहीं लाएंगे, वो अकेली आई है। अब दुकान चलाने के लिए और कंटेस्टेंट को रास्ते से हटाने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। बड़ा पाव गर्ल जब बिग बॉस के घर से बाहर थी जब तो वो लफड़े करती थी, लेकिन अब उन्होंने बिग बॉस के घर में बैठे बैठे बाहर के लड़के से लफड़ा करने का भी रिकॉर्ड बना दिया। बेसिकली जो बंदा उनकी पीआर संभालता था बहन, उसको पैसे देने से पहले ही बिग बॉस चली गई। मेरे समझ में नहीं आता कि ये बड़ा पाव गर्ल बिग बॉस में गई ही क्यों है, क्योंकि इसने अपने ठेले के बाहर ही बिग बॉस वाला माहौल बना रखा था। बिग बॉस जब वड़ा पाव गर्ल को माइक देंगे ना तो वो यही बोलेगी कि एक माइक से मेरा क्या हो रहा है, चार पांच माइक लगाओ जब जाकर के बोलूंगी मैं, वरना ना बोलती। भाई मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस में आ कैसे गई, क्योंकि हर दो दिन में तो इनका बेटा बीमार होता रहता था, लेकिन अब देख लेना अब ना होगा इनका बेटा बीमार। बात कर लेते हैं अरमान मलिक के बारे में। हाँ हाँ, वही अरमान मलिक जिसकी दो दो बीवियां हैं। मुझे हमेशा से अरमान मलिक से बहुत ज्यादा जलन रही है, वो इसलिए नहीं कि इसके पास दो दो बीवियां हैं, बल्कि इसलिए कि क्योंकि गलत इंसान को जनता ने कंटेंट क्रिएटर बना दिया है। हम में क्या बुराई है, हमें भी तो देख करके लोग हंस रहे हैं, बस फर्क इतना उसे गलत तरीके से हंस रहे हैं देख करके, हमें सही तरीके से हंस रहे हैं, सही पकड़े हैं। मैं पता ही होगा कि बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले से पहले उनकी फैमिली उनसे मिलने के लिए आती है, लेकिन अरमान मलिक तो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को बिग बॉस के अंदर लिया है, उनसे कौन मिलने आएगा। हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके पीछे तो दो औरतों और चार हाथ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अरमान मलिक दोनों बीवियों से पहले बिग बॉस में से निकल जाए और जब वो दोनों बीवियां घर पहुंचे तो उनका स्वागत तीसरी वाली कर रही हो। करे एक कर एक कर एक कर एक कर। बस गाइस दुआ करना कि अंदर जा तो तीन लोग रहे लेकिन बाहर पांच छह ना होकर के आए। बात करते हैं एलविश की मेरे कहने का मतलब है लव कटारिया के बारे में। आई इस बंदे को मैं क्या रोस्ट करूं जब इस बंदे को खुद बिग बॉस ने ही रोस्ट कर डाला, वो पहले ही दिन। क्या काम किया अकेले? मैंने तो सर, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा बड़ी होता तो मेरे को लोगों की उतारने में और ज्यादा मजा आता, अच्छे लोग। क्या बोल रहे थे, बड़ी मिल गया तो किसी की उतारने में मजा आता है? मतलब उतारने में कभी कोई काम अकेले नहीं किया है क्या? नहीं सर, अकेले किया है, बिल्कुल किया है। क्या काम किया अकेले? मैंने तो सर, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ भी कहो, अभी तक तो कटारिया भाई ही बिग बॉस के अंदर जीतते हुए दिख रहे हैं। क्या अपनी मेहनत से नहीं, एलविश के फॉलोअर। बिग बॉस में अगला कंटेस्टेंट है हमारे नीरज गोयत। हाँ हाँ भाई, वही जो बॉक्सिंग करते हैं। एक नीरज है जो जेवलिन फेंकने में माहिर है और दूसरा नीरज है जो बॉक्सिंग, हाँ, फेक कंट्रोवर्सी करने में माहिर है। हम जेक पॉल वर्सेस नीरज गोयत के फाइट के सपने देखते रह गए और भाई बिग बॉस में आकर के बैठ गए। भाई सही बता रहा हूँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई का बॉक्सिंग करियर तो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन भाई ने सोचा कि थोड़ा बिग बॉस में जाकर के इंस्टाग्राम भी आगे बढ़ा लेते हैं। और इस साल बिग बॉस में नेजी भाई भी आए हैं। नेजी भाई ने इस बार वो रास्ता चुन लिया जिसकी वजह से उनका खात्मा निश्चित है। नेजी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये वही इंसान है जिसके ऊपर गली बॉय मूवी बनी थी। अच्छा है नेजी भाई के ऊपर मूवी पहले ही बन गई, वरना तुम कुछ सोच के देखो मूवी के एंड में रैप बैटल नहीं चल रही होती, बिग बॉस चल रहा होता। हर साल की तरह इस साल भी बिग बॉस में आई है सना, सना मुकबुल। सना मशीन को प्यार करने पर मजबूर करने वाली हसीना।
इस साल बिग बॉस में एक नहीं दो दो सनाई है। जैसे गर्मियां अधूरी हैं आइसक्रीम के, जैसे सर्दियां अधूरी हैं गर्म चाय के, वैसे ही बिग बॉस अधूरा है एक सीजन में सना लाने से। अबे हर सीजन में कोई ना कोई सना नाम की ले आते हो, छोटी बच्ची हो क्या? और ये वाली सना ने पहले खतरों के खिलाड़ी करा और फिर ये बिग बॉस में आई है। मतलब इन लोगों का सही है, अगर खतरों के खिलाड़ी में आए हो तो बिग बॉस में आ जाओ, बिग बॉस में आए हो तो झलक दिखलाजा में आ जाओ, और झलक दिखलाजा में भी आए हो और तुम पे टैलेंट की कमी नहीं है तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आ जाओ। शो की कमी नहीं है बस, हाँ टैलेंट की कमी होनी चाहिए। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारे राजवीर शौर्य। मुझे नहीं लगता कि भाई इनके बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। ये वही इंसान है जो चाइना चौक टू चाइना में भी आपको दिखे हैं मूवी में, ये वही इंसान है जो चांदनी चौक टू चाइना में आपको दिखे हैं और भी दूसरी मूवीज में आपको दिखे ही होंगे। इन सब कंटेस्टेंट में से ऐसे लौटे कंटेस्टेंट है जिन्होंने सबसे ज्यादा कुछ उखाड़ रखा है। राजवीर शौर्य ने बिग बॉस में ये बोला कि मैं आया ही यहाँ पर यूं हूं क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा था। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये बिग बॉस है या फिर बॉलीवुड का फार्म हाउस जिसका भी काम नहीं चल रहा है। आ जाओ भाई यहाँ पर चिल मारने आ जाओ। एक लड़की ऐसी और थी जिसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता था और उसके बारे में मैंने स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा है। भाई सच बताऊं तो मुझे उसका नाम तक याद नहीं है। वो भी भाई सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है लड़की, बिग बॉस की कंटेस्टेंट। और वो क्यों ट्रोल हो रही है? क्योंकि वो अनिल कपूर सर से मिल करके बहुत ज्यादा रो रही थी। उसका रोना देख करके बंदे बता रहे हैं कि भाई अलग ही पता चल रहा है कि ये फेक रो रही है, ये तो नकली है या तो ओवर ड्रामा है। आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर तुमको और बिग बॉस के बारे में आगे क्या क्या चल रहा है जानना हो या फिर उसके और ज्यादा रोस्ट वीडियोस देखने हो, फिर तुम भाई की वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि हाँ भाई चाहिए हमें और आगे वीडियो, तो मैं तभी बनाऊंगा वरना मैं नहीं बनाने वाला। अगर चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले तुम्हें वीडियो और रोस्ट दिखाया करेंगे अपने तगड़े तगड़े से, तुम्हें हंसाते रहेंगे। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, तुम्हारा तो फर्ज बनता है क्योंकि तुमने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है यार। और इस वीडियो को शेयर कर दो उस बंदे के पास जो हर साल बिग बॉस देखता है, मेरे पास मत कर देना भाई। मिलते हैं जब तक किसी और वीडियो में, जब तक इन्हें बाय बाय।